हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। हेलो स्टूडेंट, अब हम करते हैं एग्जांपल फर्स्ट। यहां से आपको हर चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। मैंने ये क्वेश्चन का आंसर पहले ही निकाल के रख लिया है, पर मैं आपको एक एक स्टेप्स अच्छे से समझाऊंगा। क्या लिख रहा है एग्जांपल फर्स्ट को देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट कह रहा था यूज़ यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एससीएफ ऑफ 4052 और 12576 यानी कि 12576। ठीक है, देखो यूक्लिड एल्गोरिथम का जो यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, हम लोग एससीएफ निकालने के लिए करते हैं। एससीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखो, आपने जो एट्थ क्लास होगा, एट्थ क्लास में या सेवन्थ क्लास में आपने एससीएफ और एलसीएम निकालना सीखा होगा। तो एससीएफ वहाँ पर कैसे निकालते थे, एक डिवीज़न मेथड यूज़ करते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी टर्म क्या यूज़ करते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न करना है, यहाँ पर भी एससीएफ निकालना है, किस मेथड से, डिवीज़न वाले मेथड से, लेकिन एक यूनिक तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी हैं, 4052 और 12576, ये दो दे रखी हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 12576 और ग्रेटर देन 4052, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसे हम मानेंगे बी। ठीक है, सॉरी, इसे मानेंगे हम ए, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उसे हम मानते हैं ए और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है उसे हम क्या मानते हैं, बी। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पर देखा था, देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया साइड में, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो आपको मैंने बताया था हमारा एल्गोरिथम वाला जो होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर बताया था वेयर आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेसर देन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4052 से डिवाइड करेंगे किसको, 12576 में। ओके, तो अब आपने जब इसको डिवाइड किया थ्री टाइम्स तब आया 12156 और रिमाइंडर कितना बना, 420। ओके, तब आप इसे कैसे लिखेंगे, तो 12576 यहाँ पे लिखा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4052 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और उसमें ऐड कर दो रिमाइंडर 420। मैंने क्या बताया था, ए यहाँ पर है, यहाँ पर बी क्या था, ये बी और क्यू की वैल्यू क्या थी, 3, तो बी क्यू और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, ये रहा 420। देखो यही सीरी, यही जो है हमारा फॉर्मूला, इसी से हम सॉल्व कर रहे हैं। और आर की जो वैल्यू है वो जीरो का क्या है, ग्रेटर है, जब जीरो के इक्वल हो जाएगी तभी हमारा आंसर निकल आएगा। और क्या हुआ, और जो बी की वैल्यू है उससे लेसर है, देखो बी की वैल्यू क्या थी, ये 4052, इससे क्या है, कम है 420। ठीक है, तो आर इज़ नॉट इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, जीरो। अब देखो याद करो, इसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उससे जो यहाँ पर क्या था, डिवीज़र था, उसको डिवाइड करते थे, याद आ रहा है, तो 420 से डिवाइड करेंगे 4052 को, डिवाइड किया 9 टाइम्स तो आया 3780 और रिमाइंडर कितना बचा 272। ठीक है, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, 4052 कैसे आया, 420 मल्टीप्लाई 9 और प्लस उसमें करेंगे 272 रिमाइंडर, आर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब 272 से फिर डिवाइड करेंगे 420 को, ऊपर वाले डिवीज़र को, किया 1 टाइम्स 272 और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 148। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, 272 ये लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया, अब यहाँ पर है टू, यहाँ पर लिखा 420, पहले तो देखो 420 है, 420 कैसे आया, 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148, आर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब 148 से फिर किसको डिवाइड करेंगे, 272 को, ये डिवाइड किया मैंने यहाँ पर कितनी बार, 1 टाइम्स 148, तो बचा कितना, 124, तो 272 कैसे आया, 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124, आर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद में 124 से फिर 148 को डिवाइड किया 1 टाइम्स 124 बचा और रिमाइंडर कितना बचा, 24, तो 148 कैसे निकाला, 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24, आर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इसके बाद देखो, अब 24 से फिर 124 को डिवाइड किया 5 टाइम्स 120, रिमाइंडर बचा 4, तो 124 कैसे आया, 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, आर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अब 4 से फिर ऊपर वाले डिवीज़र को डिवाइड किया 24 को, 6 टाइम कितना बचा, 24
और यहाँ पर देखोगे तो 4 6 24 पूरा यहाँ पर क्या हो गया, एकदम पूरा हो गया हमारा डिवीज़न। तो हम क्या लिखेंगे, 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 और प्लस रिमाइंडर क्या है, 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो आपका डिवीज़र होता है, क्या होता है डिवीज़र, वही क्या होता है एस सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीज़र क्या है आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीज़र आपका क्या है 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा एस सी एफ। तो एस सी एफ क्या लिखेंगे, एस सी एफ 4052 और 12576, इन दोनों का एस सी एफ क्या निकल के आया 4, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आपने यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करके आपने एस सी एफ फाइंड किया। अब देखो इसमें लेमा क्या था, लेमा था ये स्टेटमेंट, ये प्रूवन स्टेटमेंट जिसकी वजह से आपने एस सी एफ क्या करा निकाला। और एल्गोरिथम क्या था, ये सारे स्टेप्स, ये जो आपने स्टेप्स किए हैं ये सारे, ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आपने एस सी एफ निकाला, यही क्या कहलाते हैं एल्गोरिथम। अब समझ में आ गया कि लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है। लेमा होता है वो प्रूवन स्टेटमेंट जिसके हेल्प से आप क्या निकालते हो आंसर। तो आपका प्रूवन स्टेटमेंट क्या है ये, तो ये क्या हो गया लेमा। और एल्गोरिथम क्या है, जो आपने स्टेप्स यूज़ किए, स्टेप्स कौन से, ये सारे स्टेप्स यूज़ किए हैं, इनकी वजह से, ये सारे जो स्टेप्स यूज़ किए इनकी वजह से जो आपने आंसर निकाला है इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस तरीके से ख़त्म होता है एग्जाम्पल फर्स्ट।